कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 2 खत्म हो गया है, लेकिन शो में नजर आए कंटेस्टेंट लगातार लाइमलाइट बटोर रहे हैं। शो के विनर एल्विश यादव से लेकर मनीषा रानी, जिया शंकर और अभिषेक मलहन सभी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में बिजी हो गए हैं। लेकिन इन सब के बीच बेबिका ध्रुवे और पूजा भट्ट ने अपने लिए समय निकाला है। बिग बॉस ओटीटी 2 के घर में बेबिका ध्रुवे और पूजा भट्ट का मजबूत रिश्ता देखने को मिला था। दोनों ही कहते थे कि वो शो के बाद भी अपने रिश्ते को ऐसे ही रखेंगे और ये सच भी हुआ। पूजा भट्ट ने बेबिका ध्रुवे संग कुछ फोटो भी शेयर की है। दरअसल बिग बॉस ओटीटी 2 खत्म होने के बाद पूजा भट्ट और बेबिका ध्रुवे अब जाकर मिले हैं। पूजा ने बेबिका से मुलाकात की और कुछ तस्वीरें भी शेयर की। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों मुंबई के आसपास ही कहीं वेकेशन पर हैं। पहली फोटो में पूजा भट्ट और बेबिका ध्रुवे एक कार में बैठे हैं। इस तस्वीर में दोनों के चेहरे पर स्माइल है। वहीं दूसरी फोटो में भी दोनों कैमरे की तरफ देख रहे हैं। इस तस्वीर में बैकग्राउंड में झील नजर आ रही है। इसमें साफ है कि वो दोनों कहीं बाहर अपना वक्त बिता रहे हैं। पूजा भट्ट ने नदी और पहाड़ों वाली फोटो भी शेयर की, जिसे उन्होंने बेबिका के साथ शेयर की है। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 की तैयारी भी मेकर्स कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस सीजन में बेबिका ध्रुवे भी शामिल हो सकती हैं। मेकर्स ने बेबिका को सीजन 17 के लिए अप्रोच भी किया है। इस बात का खुलासा बेबिका ने पेपराजी से बात करते हुए किया था। हालांकि बेबिका ने शो में आने का कोई भी साफ जवाब नहीं दिया है। बेबिका ने बताया कि उन्होंने अभी कुछ तय नहीं किया है। बता दें कि बिग बॉस 17 के लिए मेकर्स ने कई टीवी स्टार्स और यूट्यूबर्स को अप्रोच किया है। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दें।